हर रोज़ की तरह आज भी स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है। आज है डेट मई 13। आज का पहला आर्टिकल है इसराइल पैलेस्टीनियन क्राइसिस ट्रिगर्स फियर्स ऑफ अ फुल स्केल वॉर। एक्चुअली पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि इसराइल और हमास में फायरिंग चल रही है। जब से ही वो अल अक्सा मॉस्क में इसराइल ने अपनी आर्मी उतारी और फ़लस्तीनियंस पे कुछ फायर्स किए, बुलेट फायर्स थे और स्टन ग्रेनेड्स, टीयर गैस फायर किए थे, उसी के बाद से हमास भड़का हुआ है और इसराइल पे रेंटलेस रॉकेट फायर बहुत ही बिना रुके 1,000 रॉकेट्स फायर कर दिए हैं उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा डेडली वायलेंस चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीनियंस में। हमास कहता है कि वो पैलेस्टीनियंस के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और गाज़ा के जो मिलिटेंट्स हैं वो 1,000 रॉकेट्स उन्होंने मंडे से, यानी आज थर्सडे है, सिर्फ 4 दिन हो रहे हैं और 1,000 रॉकेट्स फायर कर दिए हैं। और रिटेलिएशन में इसराइल आर्मी ने बहुत हंड्रेड्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स की हैं उन ग्रुप्स पे, और इसमें 53 लोग सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें से 14 बच्चे भी थे, 6 इसराइल के थे, और एक इसराइली सोल्जर भी मारा गया है और एक इंडियन नेशनल भी मारी गई है। एक महिला है जो, उनका नाम सौम्या है शायद, आगे उनके बारे में दिया हुआ। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, कहा है इसे ब्लडी क्राइसिस कहा है, और मिडिल ईस्ट इन्वॉय ने कहा है कि हम एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, यानी कि, और इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और नीड 6 to 8 वीक्स मोर लॉकडाउन। जो बलराम भार्गव हैं, हेड ऑफ़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, उन्होंने कहा है कि 6 से मिनिमम 6 वीक का लॉकडाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस के पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। और अपोजिशन ने PM से अर्ज किया है यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन। ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए सौम्या, इनका नाम है सौम्या संतोष, ये वहीं के रॉकेट अटैक में मारी गई जो इसराइल पे किया गया था। ये गाज़ा में एक्चुअली एज अ, वहाँ क्या कहते हैं, एज अ मेड काम कर रही थी, एज अ मेड, एज अ हाउस मेड, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहाँ पे केयर टेकर थी उस घर की, इसराइली हाउस होल्ड 2014 से ही। तो बहुत दुख की बात है और क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, इम्पॉर्टेंट है, डेथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी, और उनकी बॉडी क्या कहते हैं एम्बेसी में आग भी गई है। और यहाँ पे हर रोज़ की तरह आज भी 4 आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल में, जिसमें से मेरे ख्याल से यही वाला इम्पोर्टेंट था। ये जो है साइंस टीचिंग एंड रैशनलिटी इन इंडिया नीड्स, इसमें इन्होंने बताया है कि एक कैसे एक रिक्शा वाले की मैं, चलिए मैं समझा देता हूँ, एक रिक्शा वाले की मेंशन की गई है, जो बताया है, जिसने उनसे कहा, जो राइटर है उनसे कहा कि जो स्पीड है वो बहुत तेज़ थी, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वो धीमे कर ले, तो ऑटो उसने धीरे किया लेकिन वो उस पर कन्विंस्ड नहीं था। तो इन्होंने फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ भैया, तो ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि सर जो स्पीडिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है एक्सीडेंट्स के लिए, और जब एक्सीडेंट को होना होगा, व्हेन इट इज़ टू हैपन, इट विल हैपन, स्लोइंग डाउन माइट इन्वाइट एज इट एज मच स्पीडिंग। जो स्पीडिंग है वो उतना ही इन्वाइट करती है एक्सीडेंट को, उतना ही प्रोवोक करती है एक्सीडेंट्स को जितना स्लोइंग डाउन करती है। तो अपने नॉर्मल स्पीड पे वो चलने के लिए कह रहा था। और रेकलेस मैन्यूवर्स, यहाँ पे एक वर्ड है, रेकलेस मैन्यूवर्स का होता है, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, और मैन्यूवर्स का मतलब होता है युद्धाभ्यास, या युद्धाभ्यास यानी कि जो ट्रेनिंग्स या फिर जो करते हैं। और यहाँ पे इसका इस तरह इस्तेमाल किया गया, आई माइट हैव फेस ऑन अकाउंट ऑफ इज रेकलेस मैन्यूवर्स स्पेशली एट टर्न्स, यानी कि जो आपने देखा होगा जो ऑटो रिक्शा होती है, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो टर्न्स होती हैं, राउंड अबाउट्स होती हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ मुड़ाते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी डर लगने लगता है कुछ लोगों को। और
इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, और मतलब उसके बिहेवियर को लेके वर्ड यूज़ किया गया है, रेकलेस मैन्यूवियर। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, इंट्रीग्यूड, ये वर्ड इंट्रीग्यूड, इसका मतलब होता है कि किसी की, जैसे किसी की जिस चीज़ में रुचि है, यानी कि अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, इस सेंस में यूज़ किया गया, मैं बता दे रहा हूँ, वो ड्राइवर है, उसने कहा कि जो स्पीडिंग है वो कारण नहीं है, तो किसी चीज़ में उसकी रुचि है, या फिर कोई मतलब क्या कह सकते हैं, उसको जगाना। जैसे जो एडिटर है वो जानना चाहते थे कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, तो उसमें उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, उनकी व्यूज़ जानना चाहते थे, टू हियर हिज व्यूज़, ठीक है, तो इसलिए इंट्रीग्यूड वर्ड यूज़ किया गया, किसी के व्यूज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके। सॉरी मैं पॉज करके फिर भूल गया, तो हम यहाँ पे थे। ये इन्होंने फिर आगे चल के, इन्होंने फिर, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है एक्चुअली, इस आर्टिकल में पहले एक ऑटो रिक्शा वाले के व्यूज़ बताया गया है, कि वो कहता है कि जो एक्सीडेंट है वो स्पीड कम करने से नहीं टाला जा सकता है, जब उसे होना होगा वो हो जाएगा। आगे फिर उन्होंने मलेरिया को यहाँ पे उससे रिलेट किया है, उन्होंने कहा है कि मलेरिया भी जब होना होगा हो जाएगा, सारे मस्कीटोज़ बाइट नहीं करते हैं, और जो बाइट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो मलेरिया फैला रहे हैं। तो फिर आगे चल के इन्होंने पब्लिक सिस्टम को एड्रेस किया है, कि यहाँ पे पब्लिक सिस्टम नहीं है, जनरल अवेयरनेस की कमी है, और फिर इन्होंने COVID-19 से उसे रिलेट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है। और सिटीज़न और मास्क को यहाँ पर रिलेट किया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो नॉट सो मच रिलेवेंट, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स अच्छे अच्छे यूज़ किए गए हैं। फेटलिज्म मतलब होता है, कह सकते हैं जो फेट से बना है ये वर्ड, और फेटलिज्म का मतलब, फेट का मतलब होता है किस्मत, फेटलिज्म का मतलब होता है जो किस्मत में भरोसा रखता है, नुएंसेस का मतलब होता है बारीकियाँ, पार्लेंस का मतलब होता है बोल चाल, जैसे कि एकेडमिक पार्लेंस, बोल चाल की भाषा, पार्लेंस लैंग्वेज समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, स्प्रेड करना, यानी कि मलेरिया के स्प्रेडिंग को यहाँ पे मेंशन किया गया। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाना। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है, इसमें एक और वर्ड इम्पोर्टेंट था, स्टैगनेंट पटल्स। स्टैगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, और पटल्स का मतलब होता है जो कह सकते हैं तालाब, पोखरा कहते हैं, वो होता है। तो स्टैगनेंट पडल्स मतलब जो ठहरे हुए, जो अनयूज्ड, यानी कि जो जिसमें मछलियाँ भी नहीं, जो जिसमें लोग भी नहीं, जिसमें पानी भी बहता नहीं है, वो ठहर गया है, और वहाँ से मलेरिया फैल सकता है। और यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, बहुत सालों से चिल्ड्रंस, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पे जब पढ़ाया जाता है कि मलेरिया को, तो वहाँ पे टास्क दिया जाता है कि नोटिस करें कि जो ठहरे हुए पानी है उसमें रेनी सीजन, मतलब जो रेनी सीजन, जो बारिश हुई, वो पानी ठहर गया एक जगह, और सब सबको पता है कि उसी से मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है। वहाँ पे मस्कीटो को, विजिबल मस्कीटो टू लार्वे, इसको देखने के लिए एक टास्क दिया जाता है, ताकि रिलेट किया जा सकता है पढ़ाई से, तो इससे भी फैलने का खतरा रहता है। और खैर, इस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, और इसमें मेंशन किया गया है कि एक कैसे, कितने स्टेट्स को कितनी वैक्सीन्स बताई, क्या कहते हैं, एलोकेट की जा रही हैं, सेंटर को अपनी पॉलिसी दोबारा बनानी चाहिए, सही से बनानी चाहिए, प्लान्ड वे में बनानी चाहिए, और जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वैक्सीन्स के नाम, वैक्सीन के नामों को, मैन्युफैक्चरिंग को, शॉर्टेज को, फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग को, तो ये सब तो सबको पता ही है और हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है। हालांकि आर्टिकल अच्छा है, लेकिन हम इसे स्किप करते हैं।
और आते हैं अपने ये वाले आर्टिकल की तरफ जो थोड़ा रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस आर्टिकल में। हाल ही में एक रूलिंग आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने जो कैदी हैं, जितनों जितने कैदी को बेल दी जा सकती है उन्हें बेल दी जाए, जितने कैदियों को छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ दिया जाए, हो सके तो जितना कम हो सके उतने कम अरेस्ट किए जाएं। तो ये उसी पे आर्टिकल है। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैव बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैन ओनली मीन बैड न्यूज़। न्यू एडमिस्ट अ पेंडेमिक। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इट्स लेटेस्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग इंटरिम रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, इस वजह से जो वहाँ की कैदियों को रखने की क्षमता है कम होती जा रही है। इसीलिए लेटेस्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलिजिबल प्रिजनर्स जिन्हें छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कम करने के लिए सबको छोड़ दो, जिन्हें छोड़ा जा सकता है उन्हें इंटरिम रिलीज कर दिया जाए। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, और मतलब प्रोविजनल रिलीज किया जाए, अब हमेशा के लिए नहीं, टेम्प्रोरी रिलीज किया जाए। और यहाँ पे एक वर्ड है सैलियंस। सैलियंस का मतलब होता है, सैलियंस का मतलब होता है अपसर्ज, यानी बढ़ा हुआ, आगे निकला हुआ, आगे बढ़ा हुआ। तो मतलब मिला जुला के वो अनकंट्रोल्ड सर्ज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कोविड पेंडेमिक है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ ये ओवर क्राउडिंग भी हो रही है। द कोर्ट देन ऑर्डर्ड ऑल स्टेट्स टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। कोर्ट ने सभी स्टेट्स से कहा कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए, मेजर्स लीजिए, और ऐसी हाई पावर्ड कमिटीज़ बनाइए जो कि डिटरमाइंड करे, यानी कि प्रिजनर्स को कैटेगराइज करे, और उन्हें फिर एज पर द कैटेगरी नीड ऑफ द टाइम, जो एलिजिबल प्रिजनर्स हैं उन्हें एक कैटेगरी में डाले, जो नॉन एलिजिबल है उन्हें एक कैटेगरी में डाले, फिर एलिजिबल प्रिजनर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाले, वो किस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, कितने टर्म उन्होंने पार कर लिया है, तो इस बेसिस पे उन्हें छोड़ा जाए। और बेल पे छोड़ा जा सकता है और पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। और कोर्ट ने ये कहा कि प्रोटेक्ट प्रिजनर्स एज वेल एज, कोर्ट ने यू क्यों किया, मतलब ये इसका रीज़न ये दिया है कि प्रिजनर्स जो हैं यानी जो कैदी हैं उनकी सुरक्षा और गार्डिंग देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन, साथ ही साथ जो उन्हें गार्ड कर रहे हैं यानी जो जेल में कैदी हैं उनकी सुरक्षा, और जो उन्हें गार्ड कर रहे हैं यानी कि जो वहाँ के गार्ड्स हैं, जो पुलिस है, वो दोनों, उन दोनों की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि जेल में भीड़ कम हो ताकि कोरोना वायरस का खतरा कम होता जाए और प्रेशर भी कम हो। और सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट्स एनी अनकंट्रोलेबल स्टेप्स, कई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो स्प्रेड को रोके, जैसे जो जो कंजेस्टेड जेल्स हैं, जो भरे हुए जेल्स हैं, कंजेस्टेड मतलब एकदम भरा हुआ जगह नहीं है जहाँ पे कंजेस्टेड है, तो ट्रांसपोर्टिंग रिमांड प्रिजनर्स जो कोर्ट ले जाने के लिए, जो क्या कहते हैं, अगर कोई केस चल रहा है किसी प्रिजनर पे और उसे कोर्ट ले जाना है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम था उसे बंद कर दिया गया, अब वीडियो कॉलिंग या फिर डायरेक्ट कोर्ट हियरिंग या फिर जो भी है वो जेल के अंदर से ही हो जाता है। और पीरियोडिकल एक्सटेंशन ऑफ कस्टडी एंड हियरिंग्स, जो कस्टडी और हियरिंग्स के लिए पीरियडिकल एक्सटेंशन मिलता था पुलिस को, जेल को, लोगों को और रोका जा सकता था, वो उसे रोक दिया गया है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होते थे इस कैदी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, उसे भी कम कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है, कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ जो है, और राइट टू लाइफ एंड हेल्थ प्रिजनर्स को है, और इसी वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली जेल्स को भी डिकंजेस्ट करना ही है। तो ये कोर्ट ने कहा, और इन व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ टू इन्फेक्शन एंड डिजीज़। प्रिजनर्स यानी कैदी और प्रिजन स्टाफ यानी वहाँ की जो पुलिस है या फिर वहाँ की जो अथॉरिटी है जो उन्हें कंट्रोल करती है, वहाँ पे इन्फेक्शन कम फैले और डिजीज़ कम फैले उसके वजह से किया गया है। और
बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे प्रिजनर्स को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे जो उनके स्टाफ हैं उन्हें कोरोना हो गया और वो भी हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, फिर वो ठीक हो रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। तो इस वजह से और एक्चुअली वहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है उन कैदियों के लिए, इनमेट्स का मतलब भी कैदी ही होता है जहाँ तक मुझे पता है, वो भी अभी इफ़ेक्टिव नहीं है, अनक्लियर है। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि छोटे छोटे इनडायरेक्ट लिंक में भी, मतलब जिन्हें जिनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था वायलेंस से, उन्हें भी जेल में रखा गया है। और वो ऐसा सोलली बिकॉज स्ट्रिंजेंट लॉज हैव बीन इन्वोक्ड अगेंस्ट देम, सोलली सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जो स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत कड़े, बहुत कठोर कठोर ऐसे नियम उन पे से कह सकते हैं, इन्वोक्ड अगेंस्ट देम का मतलब होता है लगा दिए गए हैं, लाद दिए गए हैं या फिर थोप दिए। इन्वोक्ड का मतलब ये नहीं होता है, इसे इस सेंस में यूज़ किया गया है, मैं कह रहा हूँ। तो भीमा कोरेगांव केस, यानी कि जो वॉयलेंस हुई थी, सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल अंडर एंटी टेररिज्म लॉज फॉर एलेज्ड कॉम्प्लिसिटी ऑफ रायट्स अर्ली लास्ट ईयर। कुछ ऐसे एक्टिविस्ट्स हैं जो कि जेल में हैं, एंटी टेररिज्म लॉज उन पे एलेज्ड मतलब विदाउट एनी प्रूफ, और रायट्स के वजह से तो उनका नाम आया था। और द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली एम्फेसाइज्ड द नीड टू अधेयर टू द नॉर्म्स इट हैज़ लेड डाउन इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस में ये रूलिंग आई थी कि अननेसेसरी अरेस्ट को कम किया जाए, रोका जाए, और वो उन केसेस को ज़्यादा, मतलब जैसे कि अगर कोई चोरी किया है तो उसे कितने दिन की सज़ा होगी, तो वैसी सज़ाएं जो 7 साल के से कम की हैं उन्हें अरेस्ट कम किया जाए, और अगर अरेस्ट हो भी रहे हैं तो उन्हें बेल दे दी जाए। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्ड अथॉरिटीज़ इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू गिव इफेक्ट सेक्शन 436A ऑफ द CRPC, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC का मतलब होता है सेक्शन 436A, कहा है कोर्ट ने सारी अथॉरिटीज़ को लागू करने के लिए। 436A कहता है कि अंडर ट्रायल्स हु हैव कम्प्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस मे बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड, यानी कि वो लोग जो कि अपने सज़ा की, मतलब जो टोटल सज़ा है उनकी, उनसे आधी से ज़्यादा सज़ा काट दी, more than 50%, यानी किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर अपने बिता चुका है, काट चुका है, तो उसे बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है और पर्सनल बॉन्ड पे, मतलब गारंटी चाहिए उसके बदले। और इसी में ये है, और आगे देखते हैं अगले आर्टिकल में क्या है। ये भी COVID-19 के ऊपर है, किस तरह से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट है कंपैरेटिवली डिस्ट्रिक्ट्स में हाई है, और जो 26 स्टेट्स हैं उनकी पॉजिटिविटी रेट क्या है, उस पे है ये सब आर्टिकल। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्पॉर्टेंट है लेकिन रिलेवेंट नहीं है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगले आर्टिकल में हमारे इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था और एडिटोरियल पे आज का, हालांकि आर्टिकल पहले आ चुका है और मैं पढ़ा चुका हूँ, और लेकिन यहाँ पे बार बार ये नाम आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये एक्ट 2010 में लाया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को अमेंड करके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। इसमें एक्चुअली कि जो फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडिविजुअल्स, इंडियन कंपनीज ग्रांट या एड या हेल्प या कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। तो इसे मैंडेटरी एक्चुअली है, ये मैंडेटरी ऑलरेडी है, और ये 2010 में था, काफ़ी न्यूज़ में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के लिए FRCA के अंडर आपको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो बैंक दिल्ली में ही होना चाहिए, यानी कि जिसका हेड ब्रांच दिल्ली में होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ये आगे इम्पोर्टेंट बन जाता है। और दिल्ली में 22,000 ऐसे NGOs हैं जो FRCA के लाइसेंस पे हैं, तो
कई ऐसे भी होंगे जिन्हें लाइसेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़, काफ़ी न्यूज़ में हैं बहुत दिनों से, जब से बंगाल के चुनाव हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैं सोचा इन्हें हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे एक चीज़ है, जब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने गवर्नर को लिखा है, गवर्नर एक्चुअली वहाँ जा रहे थे, कूच बिहार जा रहे थे, और ये विच इज़ वॉयलेटिव ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजियर्स। एक्चुअली इलेक्शन में जो भी प्रोसीजियर्स नहीं फॉलो हुए हैं, उनकी छानबीन के लिए कह सकते हैं जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे थे। तो उस पे जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल्ड विजिट है कूच बिहार का थर्सडे को उनका, वह एक यूनिलेटरल प्रोसीडिंग है और वॉयलेटिव ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग नॉर्म्स ऑफ प्रोसीडियर्स है। यानी कि उनका जाना प्रोसीडियर्स को वॉयलेट कर रहा है। इलेक्शन में प्रोसीजर्स वॉयलेट ही नहीं हुए, और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं तो प्रोसीजर्स वॉयलेट हो रहे हैं, ये भी ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आइवर मैक्टिन काफ़ी चर्चा में है आजकल। आइवर मैक्टिन, WHO ने कहा है कि आइवर मैक्टिन सेफ़ नहीं है कोविड जो पेशेंट्स हैं उन्हें देने के लिए। लेकिन यहाँ इंडियन फिजिशियंस जो हैं, इंडियन एक्चुअली इंडियन डॉक्टर्स जो भी हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्होंने कहा है कि आइवर मैक्टिन काफ़ी यूज़फुल है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है इसके, लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। यानी कि जिन्हें कोविड हो गया है उन्हें, मतलब माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत फर्स्ट स्टेज पे है, और उन्हें ये दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी चर्चा में है आजकल, मैं सोचा मेंशन कर दूं। और यहाँ पे एक चीज़ है, WHO हैज़ नॉट टर्म्ड B.1.617 इंडियन वेरिएंट। यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि WHO की जो 32 पेज डॉक्यूमेंट है, उसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि B.1.617 जो है वो एक इंडियन वेरिएंट है। हालांकि इंडिया में ही ये मिला था, और इस पर एक रिपोर्ट भी आई थी अभी कल या परसों की बात है, एडिटोरियल में मैंने बताया भी था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसकी लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट में। जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है बहुत सारी देशों के द्वारा, वहाँ पे हाल ही में कई दिनों से आपने सुना होगा कि ट्रंप ने ट्रूप्स विड्रॉ करना शुरू किया था, फिर जो बाइडेन ने उसे कंटिन्यू किया, तो मई 1 को सारे ट्रूप्स को विड्रॉ करना था, और मई 1 से ही वहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर रोज़ क्लैशेज हो रहे हैं, हर रोज़ लोग मर रहे हैं तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। एक अपडेट आई है इसमें कि तालिबान ने एक डिस्ट्रिक्ट को ही अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसका नाम है नर्क डिस्ट्रिक्ट, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। वहाँ पे 60,000 लोग रहते हैं, मतलब इट्स अ बिग नंबर, 60,000 लोग, और तालिबान के कंट्रोल में वो डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में। अफगानिस्तान के मिलिट्री ने कहा है कि इसके प्रति हम ऑलरेडी कमांडो रीइन्फोर्समेंट्स भेज चुके हैं और हम इसे वापस अपने कब्ज़े में ले लेंगे। खैर, देखते हैं क्या हुआ होगा, क्या होता है। यहाँ पे एक नाम है, जो ईरान के प्रेसिडेंट है, महमूद अहमदी नेजाद, अगले इलेक्शंस में प्रेसिडेंट हसन रूहानी, एक्चुअली ईरान के प्रेसिडेंट, करेंट प्रेसिडेंट हसन रूहानी है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदे निजाद, इन्होंने मतलब कैंडिडेट, एज अ कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और अगले इलेक्शंस में ये इनके खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पे फिर से वही इसराइल एयर स्ट्राइक्स, और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप कमेंट करते हैं अगर, तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आप मिल जाएगा। हमास गाज़ा पे कंट्रोल कब से रखा है? 2007 से। उस वीडियो में सिर्फ ये एक चीज़ मेंशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ उस वीडियो में मेंशन है, और बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हर रोज़ की तरह मैं इसी ऐसे ही वीडियोस डालता हूँ, जिसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन से रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।
शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, किस तरह की आप अपडेट्स चाहते हैं, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।